Hello and welcome back to my channel. So today in this video we will discuss the HP SSC Laser Keeper Postcode 890 questions, which was left in my last video. So here in this video we will cover all the questions except mathematical ones. So we'll start with question number one. So these are the math mathematic questions we are leaving it. So first question is under inflationary condition. Dash method will show highest value of closing stock. So, here it's right answer will option D, none of these. Here the right answer is FIFO. Next question is The amount paid to an author for the use of copyright is called copyright. Option B is correct here. Next question in voyage account is a So, option D is correct here. None of these. Voyage account is a, a, a profit uh, and loss account. Next question is find the odd one. So here the right answer is purchase return book. Option C is right here. Next question is accounting principles are based on. So right answer is option C rules. Next question is mathematical. We are leaving it. So before acceptance by the drawee a bill of exchange is known as. So the right answer is endorsement. Option C is correct here. Next question: hai, The term is the term dash is used to write off the value of leasehold properties. So here the right answer is option A: Amortization. Next question: hai, Valuation and the presentation of inventories is. So the right answer is option A. IS2. Next question: hai, mathematical, we are living it. Next question: hai, as per schedule sixth of the company act 1956.

विच ऑफ़ द फ्लोइंग गुड्स एंड सर्विसेज कुड नॉट बी प्रोवाइडेड बाई प्योर फ्री मार्केट इकोनॉमी सो इसका जो राइट right आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी पेंशन ये थोड़ा सा डाउट है इनकेस अगर ये गलत होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंगज़ शोन फर्स्ट वैन द सेट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी सो यहाँ पर इसका राइट right आंसर आ जाएगा या क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फ्लोइंगज शोन फर्स्ट वैन द सेट आर रेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी सो so, यहाँ पे जो इसका राइट right आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कैश इन हैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन असेट सेट नॉन एज सो यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन असेट नॉन एज पोर्टफोलियोज ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन कैपिटल मार्केट लाइन एवरी इन्वेस्टमेंट इज सो हेर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड वी फाइनटली डिविजिबल एंड इन डिजिबल नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल दैट डेरिवेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक फ्रॉम द प्राइजिंग ऑफ कंपेरेबल अट इज नोन एज सो यहां पर इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका राइट right आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल एनालिसिस इन्वॉल्व सो यहां पर इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्विन फैक्टर इन द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इज सो यहाँ पे राइट आंसर right आ जाएगा ट्वेंटी थ्री का रिस्क एंड टैक्स ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन द रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू द करंट यील्ड प्लस डिविडेंट यील्ड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द अप्रीशिये इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और असेट इज़ नॉन एज सो यहाँ पे इसका राइट right आंसर हो जाएगा कैपिटल रिटर्न नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंट टू करंट मार्केट प्राइज इज़ नॉन एज सो so, इसका राइट right आंसर हो जाएगा डिविडेंट यील्ड ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन द बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन द बीटा ऑफ मार्केट देन सिक्योरिटी इज यहाँ पे आ जाएगा मोर रिस्की एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज हाई ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी मार्केट इज नॉन एज सो सेकेंडरी मार्केट ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट होता है आफ्टर मार्केट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन सो यहाँ पे इसका राइट right आंसर हो जाएगा 1908 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फर्म्स रिप्रेजेंटेटिव आर देर इन बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सिस तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स दैट आर लिस्टेड इन द बी एस सी इज़ इन ए ग्रुप ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ए ग्रुप में आते हैं सारे एक्टिव स्टॉक्स दैट इज लिक्विड स्टॉक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन बी डिपॉजिट्री पार्टिसिपेंट इन इंडिया सो यहाँ पे ब्रोकर आ जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्सट्रैक्टिव सेक्टर सो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव सेक्टर बैंकिंग नहीं है बाकी सारे यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव सेक्टर हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर है द इकोनॉमिक साइकिल्स आर यूजअली मेजर्ड बाई टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द ग्रोथ रेट ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इज अप्लाइड ड्यूरिंग तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसेसन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट एट विच बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आर बी आई इज़ सो इसका आ जाएगा रेपो रेट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिस्टिंगविशिंग द माइक्रो एंड फ्रॉम द माइक्रो एनवायरमेंट इज नॉन एज सेग्रीगेशन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्राडिक्ट्री मोनिट्री पॉलिसी इज बिल्ड ऑन सो कॉन्ट्रैक्ट मोलिट्री पॉलिसी जो है टाइट मनी कंसेप्ट के ऊपर बेस होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉ थ्यूरी वॉज प्रपोज बाई चार्ल्स एस डो इन द ईयर नाइनटीन जीरो वन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा थर्टी नाइन का अगला मैथ का हम छोड़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्स्टेंट डिविडेंट ग्रोथ मॉडल इज प्रोपाउंडेड बाय गॉर्डन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फोर्टी वन का नेक्स्ट क्वेश्चन है द एच मॉडल फॉर इक्विटी वैल्यूएशन वाज डेवलप्ड बाय सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा नन ऑफ देम ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ड एज सिक्योरिटीज़ आर यूके के बॉन्ड है ये गिल्ड एज सिक्योरिटी यूके के बॉन्ड ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड द री इन्वेस्टमेंट रेट इज़ सो यहाँ पे इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी फाइव द परचेज एंड द सेल ऑफ बॉन्ड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न इज नोन एज सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बॉन्ड फ्यूचर नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्बिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक एंड द अनसिस्टमैटिक रिस्क इज़ नोन एज सो यहाँ पे इसका जो राइट right आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक रिस्क हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका फोर्टी सेवन है एफ कैपिटल असेट प्राइजिंग मॉडल वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाई सो ऑप्शन बी करेक्ट होएगा जैक ट्रेनर जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था यह नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल मार्केट लाइन्स डज नॉट कवर सो कैपिटल मार्केट लाइन जो है वो बोथ ए एंड बी दोनों को कवर नहीं करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री यहाँ पे फोर्टी नाइन का ए जो है राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परचेज लेजर अकाउंट ऑफ कैश आर ओनली मेंटेन्ड ऑप्शन कैश सेल जो है यहाँ पे राइट right आंसर आ जाएगा सॉरी ट्रेड कैरियर का यहाँ पे राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी वन रियल अकाउंट कांट रियल so, अकाउंट जो है उसमें क्रेडिट बैलेंस नहीं उसमें डेबिट क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है ओके ऑप्शन बी फिफ्टी वन का फिफ्टी टू जो है द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जर्नल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट ऑफ लेजर इज नोन एज सो यहाँ पे आएगा जर्नलाइज एंट्री ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी टू का पर्सनल लेज़र इज़ नोन एज सो इनपर्सनल लेज़र जो होता है वो जनरल लेज़र होता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी थ्री का फिफ्टी फोर है विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट इज डिक्रीज बाई डेबिट एंट्रीज़ सो यहाँ पर जो है वो हमारा सेल हमारा सैलरी सॉरी कैपिटल अकाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ इट नेसेसरी टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सो यहाँ पे इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन बोथ केसेस 55 का ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है द डेबिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट शोज सो डेबिट बैलेंस जो है वो नॉमिनल अकाउंट में शो करता है एक्सपेंसेस आपके शो करता है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल अकाउंट ऑफ ए कस्टमर इज़ लाइकली टू हैव सो पर्सनल कंपाउंड जो अकाउंट है वो दोनों बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी सेवन का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट हैव ओनली क्रेडिट बैलेंस सो क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा फिफ्टी एट का फिफ्टी नाइन है कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश सेल जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू सो इम्प्रेस्ट सिस्टम इज यूज टू लेशन टू कैश बुक जो है इसका राइट right आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कस्टमर्स कस्टमर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड इज रिकॉर्डेड इन सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बी आर बुक नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियोडिकल टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू दिरोडिकल टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू द ऑप्शन ए डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट फॉर सिक्सटी टू का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा सिक्सटी थ्री है सेल्स बुक इज मेनटेन टू रिकॉर्ड सेल बुक जो है वो इसमें सेल जो है नी सॉरी इसमें आ जाएगा सेल्स बुक आर रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ द गुड ओनली तो यहाँ पर क्रेडिट सेल जो है वो उसको रिकॉर्ड करती हैं सेल बुक ओनली तो सिक्सटी थ्री का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अ ट्रायल बैलेंस इज अन ऑफ दिज आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी फोर का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा याद रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी फाइव है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट मीन्स द ऑर्डरिंग ऑफ इट एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑर्डर करना होता है मार्शलिंग करना सिक्सटी फाइव का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज अ अस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिक्सटी सिक्स का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एरर्स आर अन इंटेंशनल मिस्टेक्स सिक्सटी सेवन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल लेवल ऑफ करंट रेशियो इज सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी टू इज टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेजर इज क्रिएटेड बाय टेली ऑटोमेटिकली एज सुन एज वी करिएट अ न्यू कंपनी सो ऑप्शन ए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी ओके सिक्सटी नाइन का ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज़ यूज टू मेक चेंजेस इन क्रिएटर ग्रुप्स ऑफ लेज़र इन टैली सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अल्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वाउचर टाइप्स आर रेडीली अवेलेबल इन टेली सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सेवेंटी वन का ऑप्शन ए एटीन वेयर डू वी रिकॉर्ड कैश सेल्स इन टैली सो कैश सेल में हम जो हैं वो रिसिप्ट में जो है इसको रखते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉटम ऑफ टैली स्क्रीन शूज़ सो so, यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी कैलकुलेटर्स 73 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इन बिल्ट ग्रुप इन टैली बाई डिफॉल्ट सो 34 फोर इज द राइट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैली देयर आर डैस प्री डिफाइंड लेजर सो टू इन नंबर प्री डिफाइंड लेजर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड रिटर्निंग टू अ क्रेडिटर आफ्टर चलान बट बिफोर बिल द वी नीड टू पास तो रिजेक्शन आउट ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंस अकाउंट ग्रुप इज़ डिफाइंड अंडर सो यहाँ पे इसका राइट right आंसर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट ग्रुप सो इसका जो राइट right आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन सी आ जाएगा रेवेन्यू इसमें थोड़ा सा डाउट है इफ़ यू हैव थोड़ा सा नॉलेज है अगर आपको तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सिंगल एंट्री मोड इज़ एप्लीकेबल फॉर सो सिंगल एंट्री मोड जो है वो सब लिए एप्लीकेबल है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट right आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी नाइन इन टेली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिस कम्स अंडर इन विच ग्रुप सो ये डायरेक्ट एक्सपेंसिस के अंदर आते हैं सेवेंटी नाइन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एटी फॉर एक्सपोर्ट टू डाटा फ्रॉम कंपनी टू कंपनी टेली यूजेज एक्स एम एल फॉर्मेट जो यूज़ करती है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा एटी का एट्टी वन है द ऑप्शन यूज इन टेली टू क्लोज ओपनड कंपनी इज सो so, यहाँ पे आ जाएगा सी आ जाएगा शर्ट कंपनी राइट आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट कंपनी इन अ टैली इज सो एफ वन इज द राइट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट है टैली पैकेज इज डेवलप्ड बाय सो टैली पैकेज जो है डेवलप्ड किया टैली सोल्यूशन ने ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मीनू इज यूज टू क्रिएट न्यू लेजर्स एंड वाउचर्स टाइप्स इन टैली सो ऑप्शन डी मास्टर्स यहाँ पे राइट हो जाएगा एटी फोर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ये हम छोड़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिप्रेजेंटेड अलोंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्सेस के अंदर होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो एक्स एक्सेस के अंदर होता है तो एट्टी सेवन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाई एक्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन सो इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन सी आ जाए कोअिशियंट ऑफ वेरियंस नेक्स्ट क्वेश्चन एटी नाइन ग्राफिक ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज क्लासीफाइड एज पैराबोलाज सो उस एटी नाइन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथामेटिकल के हम छोड़ रहे हैं नाइन्टी वन का जो क्वेश्चन है डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सो ऑप्शन ए यहाँ पे सेक्शन ट्वेंटी फोर राइट हो जाएगा नाइन्टी वन का नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डिडक्शन नाइन्टी टू मैक्ममम डिडक्शन लिमिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम इनकम टैक्स इज़ सो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन वी वन पॉइंट फाइव लैख नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी थ्री द प्रोविजन रिगार्डिंग टी डी एस ऑन सैलरीज आर कंटेन इन विद सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सो ऑप्शन यहाँ पे सी uh, इसका राइट हो जाएगा सेक्शन वन नाइन्टी टू नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ डेवियशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम देयर मीन इज ऑलवेज़ जीरो सो ऑप्शन नाइन्टी फोर का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कंज्यूमर डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वेन द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी ज़ीरो ऑप्शन बी नाइन्टी सिक्स का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद यू ऑल द वे इज़ द स्लोगन ऑफ एस बी आई सो नाइंटी सेवन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटीजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इज़ सो ये है प्रैक्टिस ओरिएंटेड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिड्रेशन कैन बी डिफाइंड एज सो कंसिड्रेशन जो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर आ जाएगा नाइन्टी नाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन आ माइनर कैन बी एन एजेंट सो हंड्रेड का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच लैंग्वेज वॉज यूज सो इसका राइट right आंसर है मशीन लैंग्वेज ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन द कंट्रोल यूनिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर सो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज एम आई सी आर स्टैंड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक इन करेक्टर रिकोगनीशन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द कैथोड रे ट्यूब इज सिलेंड्रिकल इन शेप होती है तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऑप्शन नहीं है तो हम इसका बी जो है वो राइट करेंगे रेक्टेंगुलर नेक्स्ट क्वेश्चन द इंफॉमेशन स्टोर्ड इन सी डी रोम इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वन जीरो फाइव का नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट वन जीरो सिक्स छोड़ रहे हैं वन ज़ीरो सेवन जो है सॉफ्टवेयर रेफरस टू सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्क इज़ यूज टू कोल्ड बूट अ पर्सनल कंप्यूटर सो यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डिस्क ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है इन एम एस विंडोज स्टार्ट बटन इज़ यूज टू ओपन स्टार्ट मीनू ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इन एम एस वर्ल्ड टेक्स्ट कैन बी मेड मोर अट्रैक्टिव इन डिफरेंट कलर शेप एंड साइज बाई यूजिंग वर्ल्ड आर्ट सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इन एम एस एक्सल फ्रॉम विच टूल वी कैन चेंज चार्ट टाइप सो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी चार्ट टूल्स ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा वन हंड्रेड इलेवन का वन हंडर्ड ट्वेल्व है विच इज़ यूज टू मेक स्लाइड शोज सो स्लाइड शोज़ करने के लिए हमें एम एस पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़ता है सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा वन हंडर ट्वेल्व का हंडर्ड थर्टीन है द यूजर्स हु कैन ईजी टू यूज मीनू आर कॉल्ड नाइव यूजर्स सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है इन एम एस एक्सेस विच इज़ यूज टू स्टोर द डाटा सो यहाँ पे टेबल जो है वो राइट right आंसर हो जाएगा 114 का नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा फ्लो बिटवीन टू डिवाइस कैन अकर इन सो यहाँ पे सारा सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस 115 का पढ़ लें सिम्प्लेक्स हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डोप्लेक्स नेक्स्ट है इन वेस आई मॉडल द डाटा लिंक लेयर परफॉर्मस सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बोथ ए एंड बी दोनों काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अ वेब्स नेटिव प्रोटोकॉल सो एच टी टी पी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी नेक्स्ट है अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क वाइल साइमिलटेनियसली अलाओ डिस्ट्रक्टिव एक्ट इज़ अ ट्रोजन होर्स ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट इज सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वन बाई वन नेक्स्ट क्वेश्चन टैब ऑफ एक्टिव शीट इन वर्ल्ड बुक इज ऑलवेज बोल्ड सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वन ट्वेंटी का वन ट्वेंटी वन है सो so ये वन ट्वेंटी वन अभी जीके स्टार्ट हो गया है सो विद दिस वी हैव एंडेड अप दिस वीडियो हेयर अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है एंड मैंने इसमें सारे क्वेश्चन mm. जो हैं अपनी तरफ से आ, आ, सही क्वेश्चन उसका आंसर पता करने की कोशिश की है अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हैं तो प्लीज़ आप उसको मैंशन करके नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आई विल शी यू इन द नेक्स्ट वीडियो